मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, अजीब सा लग रहा है। मतलब एक वीक तक मैंने पूरे रेस्ट में थी, तो अभी भी थोड़ा सा है, इंटरनल थोड़ी वीकनेस है। तो फीवर इतना हो गया था 102, फिर 100 तक, फिर कम हो जाता था, फिर डाउन, फिर अप, ऐसा हो जाता था। फिर साथ में फीवर के साथ खांसी, जुकाम, ये सब कुछ इकट्ठा ही हो गया, पेट खराब हो गया, फिर देन वीकनेस भी कुछ ज़्यादा है। धीरे धीरे ठीक होगी, और ये देखिए आंखें भी काली काली हो गई है। तो चलिए आज थोड़ा सा मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। नहीं तो इतने दिनों से मैंने कुछ किचन का कर भी नहीं रही थी, थोड़ा बहुत ही था। तो स्टार्ट करते हैं। आपको देख के लग रहा होगा मेरी हालत बीमार बंदा कुछ भी नहीं कर पाता है। बहुत लंबा फीवर हो गया, मैं सोच रही थी कब ठीक हो। हो ही नहीं रहा था। रितवान को हो गया था, मुझे हो गया था, रितवान के पापा को भी हो गया। तो सबसे पहले इसके पापा को हुआ, फिर रितवान को हुआ, फिर दनमे को हुआ। हम तीनों बेड पे लेटे हुए थे। तो अभी ये ठीक हो चुके हैं। रितवान को है थोड़ा सा कोल्ड और खांसी है उसकी। खांसी थोड़ी सी आवाज़ साउंड से आती है, वो वाली खांसी है। मुझे थोड़ी सी कफ है और वीकनेस है ज़्यादा। तो चलिए अभी किचन में मैं कट कर रही थी मशरूम कट की है। ये तो ठीक है। एक और पैकेट लेके आए थे, दो पैकेट लेके आए थे। दूसरा पैकेट इतना मतलब गंदा, मतलब वाली स्मेल आ रही थी उसमें, वो मैंने कट नहीं किया। वो वापस करके आएंगे बोल रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं। उसके बाद यहाँ मैंने प्याज कट किए हैं और एक और प्याज इसको मैंने चॉप करना है। चॉपर मशीन है ना जो हमारे पास, उससे ये उससे कर लेना है। और ये मसाला रेडी करके फिर दिन बनाते हैं।
के सीधे होके एकदम स्ट्रेट नहीं, हम पढ़ेंगे थोड़ी, हम तो ड्राइंग करेंगे, हम ड्राइंग करेंगे देखना, हम वंजू वाली ड्राइंग करेंगे, वंजू वाली बहुत अच्छी ड्राइंग होती है, और ये रितवान की पेंसिल होती है, रितवान अभी पेंसिल पकड़ेगा, वो पेन पकड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम वन वन फ्लावर बना देती हूँ, फिर कुर को फ्लावर बनाऊंगा के बाद है ना टू आता है, ठीक है चल चल लिखो वन लिखो दो पकड़ो लिखो वन को वन आता है वन वन लिखो नहीं फिर वन फ्लावर बनाएंगे वन लिखेंगे फिर आपको वन लिखेंगे ना फिर आपको टू बताएंगे टू अच्छा आपने आप आपने मम्मा लिखते हैं जैसे देखो मम्मा अपने आप लिख रहे मम्मा लिख रहे वन रितवान को भी आता है रितवान भी लिख के दिया है हाँ देखते हो कौन पहले लिखता है आप डॉट पे लिखो ना डॉट पे डॉट पे डॉट पे डॉट पे भी वो डॉट सभी बोलते हैं चीची वो आएगी तो ये रितवान वाला लिखता है देखो तार हरे की तोता भी आ रितवान वाला लिखता है देखो कैसे ये देखना अभी रितवान वाला लिखेगा वन सब्सक्राइब करना वन प्यारा चलो हटी तो फिर मम्मा का असली रूप नहीं देखा तूने अभी है तो यहाँ पर हम बाहर बैठे हुए हैं और रितवान यहाँ पर मतलब चॉकलेट खा रहे हैं हम जो चॉकलेट वाली टॉफी होती है तो इसकी बूजी ने इसको दिया था पैक तो उसमें है ना बहुत सारी छोटी छोटी चॉकलेट टाइप टॉफी है तो वो उसमें है ना अलग अलग एनिमल्स की शेप बनी है वही हम देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर सुबह कपड़े धोए थे तो वो पूरे सूख गए हैं अभी तो वही कपड़े मैं अभी उठा के रख रही हूँ यहाँ पर और रितवान एज़ यूजुअल बाहर पंगे कर रहा है तो बाहर ही खड़ा है मेरे साथ और यहाँ पर मैं कपड़े रख के फिर यहीं पे फोल्ड कर लूँगी बाहर ही
यहाँ पर रिद्वान अभी जस्ट थोड़ी देर खड़ा है, फिर ये दौड़ जाता बाहर वो, फिर मेरे को पकड़ के लेके आना पड़ता है। तो ये बच्चे जैसे कुछ इनके तो मतलब अभी इसके स्टार्टिंग होने वाले थे, स्कूल स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आपको पता है सभी स्कूल्स बंद है, तो 31 तक इसका बंद है। अभी जस्ट स्टार्ट होना था वो बंद अभी चल रहे हैं, तो बहुत ही पंगे करता है। मैं सोच रही हूँ कब जाएगा ये। और यहाँ पर अभी जस्ट अब देखना ये गेट से निकल जाएगा, छोटे वाले गेट से निकल जाता है ये आराम से, बड़े वाले गेट से कोई आया मैंने वो बंद किया, और ये अभी छोटे वाले से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसको यहीं पे मैं बोल रही हूँ रुको रुको, बट ये रुकेगा नहीं, फिर इसके पीछे मुझे जाना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा। तो यही काम रहता है इसका, इसके पीछे पीछे जाओ फिर इसको लेके आओ। यहाँ पर अभी जस्ट मैं फोल्ड करके अलग अलग कपड़े रख रही हूँ, जैसे मैंने अपने वाले अलग से एक साइड में रख रही हूँ, और इनके अलग रख रही हूँ, फिर इतवान के अलग रख रही हूँ। तो फिर इजीली रहता है कि अंदर जब मैं जाऊँ तो फिर इनको फोल्ड करके सीधा अंदर रख दूँगी। तो अभी जस्ट इवनिंग का टाइम है, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर की भी हवा लग जाएगी और कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे। और बस आज का ब्लॉग, इंडियन मॉम के ऐसे ही वर्क चलते रहते हैं, और बस आज का जो ब्लॉग है यही एंड करते हैं। होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब बॉक्स को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल।